भारत में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिन पर शहरों और कई जगहों के नाम पड़े हैं। इन मंदिरों का अपना अलग इतिहास है और अपना अलग ही महत्व। ऐसे ही इंदौर शहर का नाम भी एक ऐसे मंदिर के नाम पर पड़ा है जो 4000 साल से भी अधिक पुराना है। इंदौर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है इंद्रेश्वर महादेव, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। पंडरीनाथ थाने के पीछे स्थित इस मंदिर में आज भी हजारों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि 4500 साल पुराने इस मंदिर के नाम पर ही शहर का नाम पहले इंदौर पड़ा और फिर बाद में बदलकर इंदौर हो गया। मंदिर के प्राचीन इतिहास की बात करें तो इस मंदिर में महादेव की स्थापना स्वामी इंद्रपुरी ने की थी। माना जाता है कि भगवान इंद्र को जब सफेद दाग की बीमारी हुई तो उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उन्हें कान नदी से निकलवाकर प्रतिस्थापित किया गया था। बाद में तुकोजी राव प्रथम ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इस मंदिर के तलघर में इंद्रेश्वर महादेव विराजमान है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जिस भी भूमि पर डालकर बोरिंग या ट्यूबवेल कराया जाता है वहाँ पानी निकल जाता है। इसी वजह से कई साल तक लोग बोरिंग खोदने से पहले यहाँ से जल ले जाया करते थे। एक मान्यता यह भी है कि जब जब शहर में पानी की कमी पड़ी है तब तब लोगों ने यहाँ आकर जल चढ़ाया है और उससे यहाँ पानी की किल्लत पूरी हो गई है। इसके लिए अभिषेक के बाद भगवान को जल मग्न कर दिया जाता है और इसीलिए इस मंदिर का नाम इंद्रेश्वर रखा गया। आपको बता दें, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। तो साथियों, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो कि 4500 साल पुराना है, इसकी कहानी आपको पसंद आई होगी। और यदि आप इसी तरीके के और प्राचीन मंदिरों की कहानी सुनना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके की और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।